बृहस्पतिवार को विश्नोई मंदिर हड़तला में श्री गुरु राजेंद्र नंद जी महाराज भीमखेड़ा हरिद्वार के श्री मुख से जम्बाणी हरिकथा का चतुर्थ दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु जी ने पेड़ बचाओ तथा पर्यावरण का संदेश दिया। उन्होंने हमारे जीवन में माता पिता का महत्व बताया, कहा कि माता पिता की सेवा ही हमारा परम कर्तव्य है। कहा कि अपनी आंतरिक तथा वास्तव आत्मा को स्वच्छ रखना है। वृद्ध आश्रम व वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम में होने वाले कार्य को विस्तार से बताया। सभी भक्तों ने बड़े श्रद्धा भाव से कथा का रसपान किया, जिसका सभी हड़तला विश्नोई समाज तथा बाहर से आए हुए विश्नोई समाज के धर्मानुभामियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कथा का रसपान किया, जिसमें विश्नोई सभा के अध्यक्ष विवेक विश्नोई, प्रवेंद्र विश्नोई, ललित विश्नोई, नवनीत विश्नोई, पीयूष विश्नोई, सौरभ विश्नोई, शोभित विश्नोई, विशाल विश्नोई, आशाराम विश्नोई, ब्रह्मजीत विश्नोई, मयंक विश्नोई, प्रियंक विश्नोई, प्रदीप विश्नोई, सुखवीर विश्नोई, रामोतार विश्नोई आदि के साथ मात्र शक्ति भी उपस्थित रहे। कुर्टी के साधु संतों को बुलाया और यज्ञ संपन्न हो गया। अब वो दान दे रहा था, जो उसने संकल्प लिया वो दान नहीं, संकल्प लिया था कि मैं अच्छी चीज दान दूंगा। और हम लोग क्या करते हैं, कई कथा में आ रहे हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन अक्सर ही बात होती है, कई कथा में आ रहे हो तो जो फलों की ठेली खड़ी उसके पास जाएंगे, भैया ये फल कैसे दिए? जी वो तो 25 रुपए दर्जन है, वो 20 रुपए दर्जन है, नीचे वाले 15 रुपए दर्जन है। बोले यही दो कथा में जा रहा हूँ। नवनीत कुमार विश्नोई नाम, क्या कर रहे हैं अपना? ये हमारा ये बिश्नोई कॉलोनी हड़तला स्टेशन रोड बिश्नोई मंदिर में 5 दिवसीय जम्बावाड़ी हरी कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका चतुर्थ दिन है। इसमें हमारे गुरु जी हरिद्वार से आए हुए श्री राजेंद्र नंद जी महाराज जी भीम मोटे थे। इसमें अपने बिश्नोई पंथ से कैसे कैसे हमारा आगे बढ़ा, इस तरीके से हमारे गुरु जी ने काम किया, कथा का क्या उद्देश्य होता है, कथा से क्या क्या लाभ होते हैं, गुरु का जो आदेश होता है वो किस तरीके से माना जाता है, ज्ञान दिया। और आगामी क्या कार्यक्रम रहेगा? आगामी कार्यक्रम हमारा कल का कार्यक्रम है। कल हमारा सुबह 9 बजे से मंदिर प्रांगण में हवन का प्रोग्राम है, उसके के बाद तत्पश्चात भगवान सहभाग का भंडारे का प्रोग्राम है कल का हमारा, और भंडारे के साथ और हवन के साथ कल 17 तारीख को ये हमारा समापन हो जाएगा।